हेलो प्यारे बच्चों, ऐसा है कि मैंने प्लान किया है कि अब मैं जो नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज है, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है और बहुत लोगों को रिक्वेस्ट भी आया था कि जीओसी पे थोड़ा काम किया जाए। रीजन क्या, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है क्लास 11 12 दोनों के लिए, इवन जेईई मेंस एग्जाम की बात करें, नीट एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम उस पर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए तभी कर पाएंगे जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इस बार मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ग्रेजुअली थोड़े बहुत बेसिक्स बातें बता करके उसके लेवल को इंक्रीज करना और जहां तक मैं उसे जेईई मेंस और नीट तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ज्यादा वक्त न ले तो मैं कोशिश करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज जीओसी। अगर आप जीओसी की बात करें तो जीओसी का फुल फॉर्म बेसिकली होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाट इज जीओसी, तो जीओसी में अगर आप आएंगे इसका नाम बेसिकली होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाहिर सी बात है, अगर डेफिनेशन दिया तो सिंपल हम ये बात कह सकते हैं इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कहलाता है। तो कार्बन के बेसिकली क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के लिए, हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये टर्म लिखा मैं रिएक्शंस को प्रेजेंट किया है, जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है तो ये सब चीजें नजर आएंगे आपको, रिएक्टेंट, मीडियम, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है पर इस पर गौर करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का नाम बन जाता है सबस्ट्रेट। मीडियम चाहे वो पोलर हो, जिस सॉल्वेंट का, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, बेसिकली जिस मीडियम में आप इसे रिएक्शन करा रहे हैं, सॉल्वेंट की बात यहाँ की जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मीडियम को भी जानना बहुत अच्छे से जरूरी है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट की पहचान करना बहुत जरूरी है बिकॉज इसी पे डिपेंड करता है कि आने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो डिफाइन करता है वो बेसिकली इंटरमीडिएट बनाता है, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट में आपको माइनर। याद रखिए यहाँ पे मेजर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, हमें मेजर प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करना है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट से आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड रिएजेंट, इसका रोल क्या है, रिएजेंट को भी समझना पड़ेगा बहुत गहराई से। अगर दुनिया में कोई भी रिएक्शन, हम सब जानते हैं कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड का टूटना यही पे हम शुरुआत करेंगे, फ्यूजन ऑफ बॉन्ड की बात भी हम करेंगे, तो फ्यूजन ऑफ बॉन्ड के बारे में इससे यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इन सब टॉपिक्स पे, खासकर रिएक्टेंट जो सब्सट्रेट बन जाता है ऑर्गेनिक में आकर के, मीडियम, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएजेंट्स, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इन सब को अगर आप वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि पहले डिस्कशन, फर्स्ट डिस्कशन हमारा इंटरमीडिएट से शुरू होगा। पहली बात, इंटरमीडिएट कहाँ फॉर्म होते हैं कहाँ नहीं फॉर्म होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। मेन फोकस रहेगा कि इंटरमीडिएट के बारे में जानना, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट क्या, उस पर बात करेंगे। पहले इंटरमीडिएट को समझते हैं, व्हाट इज इंटरमीडिएट। कहते हैं दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शंस, खासकर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अगर मान लीजिए वन स्टेप में हो जाए तो वैसे केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये याद रखिएगा इसको हमेशा। उस केस में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट की हम बात करते हैं, तो दो का मतलब दो केमिकल रिएक्शन, दो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, दो ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, सच टाइप ऑफ रिएक्शन डजंट कंटेन इंटरमीडिएट, इट इज ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज प्रेजेंट। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेप, मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप अगर वो रिएक्शन होगा, मोर देन वन स्टेप मैकेनिज्म, तो वहां पे आपको इंटरमीडिएट ऑब्जर्व होगा। अब रहा सवाल इंटरमीडिएट के टाइप्स क्या होंगे, फर्स्ट देखिए दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, इसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। कहने का मकसद है कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बोनियम आयन मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज, कॉल्ड कार्बोनियम आयन। फ्री रेडिकल, अगर कार्बन में एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो बाकी आपको तीनों बॉन्ड नजर आएंगे। कार्बिन, अगर कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ओनली दो टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन विद चार्जेस के साथ यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं करता। अगर नाइट्रोजन एटम पे कार्बन के साथ अगर कोई नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और उसके अंदर ये नाइट्रीन, ये से पांच हमारे पास ऐसे आप जानेंगे। यहाँ पे मैं कैसे बता दूं आपको, यहाँ बेसिकली मैंने यहाँ पे फाइव टाइप्स के आपको यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बताए हैं। पहला है कार्बोकेटायन, सेकंड है कार्बन एनायन, थर्ड है आपका फ्री रेडिकल, फोर्थ है आपका कार्बिन, और फिफ्थ है आपका नाइट्रीन। नाइट्रीन भी मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है, बट आपको ये चार जो ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको नजर आएंगे। अब थोड़ा इसके इनसाइड जाने की कोशिश करते हैं कि वाट आर कार्बन एनायन, कार्बोकेटायन, नाइट्रीन, कार्बिन। हम इसके कि मैंने बताया कि आपको टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में अगर आप आते हैं तो नंबर वन पे आता है कार्बोकेटायन या आपके पास कार्बोनियन, कार्बोनियम आयन। इस केस में देखिए अगर कार्बन एटम के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसमें सिक्स में सिक्स के इलेक्ट्रॉन्स आप बॉन्ड में जुड़े हुए नजर आएंगे, और अगर उसके साथ प्लस चार्ज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिक्स इलेक्ट्रॉन, ऑल आर बॉन्डेड विद पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, उसका प्लेनर स्ट्रक्चर। वो एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया दैट इज कॉल्ड सी एस थ्री प्लस,
अगर आप कार्बन को चेक करें तो कार्बन में यहाँ पे थ्री बॉन्ड्स नजर आएंगे आपको, देखिए थ्री बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ प्लस चार्ज प्रेजेंट है। ये आपके एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे थ्री बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है जिसमें इट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज कॉल्ड प्लेनर स्ट्रक्चर। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आप देखें तो CH3 CH2 प्लस CH3 CH CH3, और एग्जांपल हो सकता है CH3 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 प्लस। मैंने तीन तरह के कार्बोकैटायन लिखे हैं, पहला देखिए दैट इज ग्लूटाइल कार्बोकैटायन, इसमें भी अगर आप वर्क करें इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 मिलेगा। इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन बिकॉज जिस कार्बन में प्लस चार्ज प्रेजेंट है उससे सिर्फ एक कार्बन अटैच है। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसमें एक एक्सेप्शन भी है आपका, एक्सेप्शन देखिए क्या कहलाता है इसमें। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर यहां प्लस चार्ज प्रेजेंट है, इसे कहते हैं एसाइलियम केटायन। कार्बन भी प्लस है बट इट इज नॉट कार्बोकेटायन। ये एक्सेप्शनल केस है जो मैंने आपको बताया। कार्बन एनायन, दैट इज नंबर टू। कहते हैं व्हेन कार्बन एटम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ नेगेटिव चार्जेस। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहां पे हमने लिया CH3 माइनस, ऐसे बना सकते हैं CH विथ नेगेटिव चार्ज। दिस कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, स्ट्रक्चर इज। सेकेंड टाइप हमारे पास जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसका नाम होता है कार्बन एनायन। कहते हैं कार्बन एटम में अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और साथ में उसमें 6 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो, साथ में नेगेटिव चार्ज, तो दैट इज कॉल्ड कार्बन एनायन कहलाते हैं। एग्जांपल मैंने लिया मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, देखिए कार्बन से 3 बॉन्डेड प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड 6 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में प्रेजेंट है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है दैट इज इन द लोन पेयर में प्रेजेंट नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। क्योंकि कार्बन के पास वैलेंसी चेक करें तो 1 2 3 4 होता है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो अक्सर कार्बन एनायन के हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का सम 4 होता है दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, बट रीजन है ड्यू टू लोन पेयर द स्ट्रक्चर बिकम पिरामिडल। बट इसमें भी एक सेक्शन आपको क्या नजर आएगा, देखिए अगर हम दैट इज कॉल्ड एलाइल कार्बन एनायन, एलाइल कार्बन एनायन, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, देखिए यहाँ पे 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर है, सो 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और आपके दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं बल्कि sp2 होता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस प्लस आई इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे इस कार्बन में देखिए आप अब इनके पास बॉन्ड पेयर बच गया सिर्फ 3, इट बिकम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब कार्बन एनायन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा sp3 फॉलो करेंगे, एलाइल केस में आपको ये sp2 ही नजर आएंगे। इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। द थर्ड इंटरमीडिएट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अगर कार्बन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 होंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 1 होगा ऑड इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड जीरो चार्जेस, दैट इज कॉल्ड जीरो चार्जेस। इसका मतलब कोई चार्ज नहीं, ये इलेक्ट्रॉन हमें याद रखना है, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस विथ 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड CH3 मिथाइल रेडिकल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखिए 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन को इस केस में हम कभी भी याद रखिए, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp2, वही आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट उसे हम हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। व्हाट आर द एक्सेप्शन, हम उसे देख लेते हैं। CF3 के साथ एक इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, लेकिन ज्योमेट्री इसका पिरामिडल ही होगा, पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ।
TF3, NO2, इनमें खास बात इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन इज इंक्लूडेड, इसे इंक्लूड करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच का एक्सेप्शन है जो आपको यहां नजर आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन को, इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 ही है। जैसे देखिए मैं दिखाता हूं आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। अगर मान लीजिए यहां से ब्रिज, दैट पोर्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ब्रिज फ्री रेडिकल, दिस हेड इज कॉल्ड ब्रिज कहलाता है, जहां पे ये दो पॉइंट मिल रहे हैं। ये हमारे लिए कार्बोकेटाइन, ये दोनों जो फॉर्म है आपका, खासकर कार्बोकेटाइन का बाइसाइक्लो में, कार्बन आयन के फ्री रेडिकल का बाइसाइक्लो में, ये फ्री रेडिकल है। अगर बाइसाइकिल कंपाउंड में आपको कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल या कार्बन आयन मिल जाए, तो याद रखिए इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब बाइसाइक्लो के ब्रिज कार्बन पे कभी भी प्लस चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इट इज हाईली अनस्टेबल, या फॉर्म ही नहीं कर पाते। कार्बन आयन में भी फॉर्म, बट इट इज हाईली अनस्टेबल होते हैं। इन सब एक्सेप्शन के साथ हमें समझना पड़ेगा इन चीजों को। प्लस चार्ज में ये बाइसाइक्लो ब्रिज फॉर्म में नहीं फॉर्म करेंगे कार्बोकेटाइन, रेडिकल नहीं फॉर्म करेंगे, बट कार्बन आयन में भी पॉसिबल इट कैन फॉर्म, बट इट इज नॉट हाईली स्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल होंगे। केस ऑफ CF3 रेडिकल दे दिया तो यहां पे ये आंसर भी गलत हो जाएगा, आप भी ऑप्शन नहीं दे सकते, एस ऑर्बिटल को देना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन है।